छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। विगत कुछ दिनों से लवन क्षेत्र में चोरी के दो पहिया वाहन खपाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक आरएन दास को मिली थी। सूचना पर एक्शन टीम, जिला क्राइम स्क्वाड तथा लवन चौकी के अधिकारी को निर्देशित कर कार्यवाही करने को कहा। मुखबिर की सूचना पर तुषार उर्फ सोनू साहू, पिता दिलीप उम्र 19 वर्ष, कुशल पिता सीताराम साहू को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, जो चोरी का वाहन बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने निकले थे। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि उन्होंने जिला बिलासपुर, जांजगीर तथा बलौदा बाजार क्षेत्र की शराब दुकान के सामने से मास्टर चाबी का उपयोग कर वाहनों की चोरी की। जिन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल को सुरेश साहू भवन तथा ईश्वर बघेल कस्टोर को 5,000 रुपए मूल्य पर दोनों को दो दो मोटरसाइकिल बेची हैं। आरोपियों ने बताया कि प्राप्त राशि को उन्होंने ऐश करने में खर्च कर दिया। आरोपियों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले सुरेश साहू, ईश्वर बघेल के विरुद्ध अपराध दर्ज कर रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया। संपूर्ण कार्रवाई में चौकी प्रभारी मनोज प्रजापति, क्राइम स्क्वाड प्रभारी घनश्याम देशमुख, आसी चंद्रवंशी लवन, एक्शन टीम एवं क्राइम टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोटरसाइकिल रखे हुए हैं और संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे हैं, तो जिनसे पूछताछ चौकी लवन थाना कटोर के द्वारा किया गया, जिस पर से 7 मोटरसाइकिल चोरी करने का खुलासा हुआ। बालोदा बाजार से संजय श्रीवास के साथ दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट।